my last spot of the day, इरेकुलाली लेक. और ये जगह बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे कोई फॉग भी नहीं है. ये एकदम आप लास्ट वाला ट्रिप के. हाँ ये, बट दिस इज मतलब ये तो डेफिनेटली आना ही है यहाँ पे. सनसेट आपको व्यू दिखाती हूँ अभी. देखिए ये सीरी कॉफ़ी है, ये भी हमारा एक स्पॉट था. हम सुबह गए थे यहाँ पे, कॉफ़ी पी के हम सीधा निकल गए, तो आप लोग भी आ सकते हो. हाय गाइस, सो पहले नहीं बता पाया है बट हमारा डे वन खत्म हो चुका है. डे वन का साइट सी अभी हम डिनर करने आए हैं यहाँ. अरबियन नाइट्स करके एक रेस्टोरेंट है, तो हमारे होटल के जस्ट नीचे है, तो यहीं पर डिनर करेंगे. एंड ऐसा लगता है एक घंटे में ही सो जाएंगे. तो बस फिर कल हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए. उससे पहले ट्राई करेंगे एक दो और स्पॉट है वो कवर करने का. और हाँ, फिलहाल आज के लिए यहीं तक था, तो बाय. तो गाइस हमारा डे टू स्टार्ट हो चुका है. बहुत सोए हम, अभी आए हैं वही बस स्टैंड के पास वाले शॉप में इडली और डोसा और फिल्टर कॉफ़ी. ये डोसा है तो आज भी जाएंगे हम लोग, एक दो स्पॉट कवर करेंगे और फिर 4 बजे अपना बस है. तो सी यू गाइस लेटर. तो गाइस आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे चेकिंग कैसे टाइट चल रही है. तो एक हेड्स अप देना चाहता हूँ, यहाँ पे आओगे आप तो हेलमेट और गाड़ी का सीट बेल्ट लगा के घूमना. अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस चेकआउट करेंगे और फिर एक स्पॉट जाना है वहाँ पे चलेंगे और फिर लंच करेंगे एंड देन बैक टू बैंगलोर. गाइस अभी हम जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हो आयन करी ले, और बस वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे एक घंटा और आसपास देखेंगे. अगर वो कॉफी प्लांटेशन है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक के अच्छे अच्छे फोटोज खींचे और फिर वापस आ जाएंगे तो बस पर. तो पहुँच के दिखाते हैं. गड़बड़ हो गई थी गाइस. एक्चुअली हमारा जो ऑटो था वो, मतलब ऑटो वाले से हमने बात की थी बट फॉर सम रीज़न ही मिसअंडरस्टूड एंड ही वॉज टेकिंग अस बैक टू हीरेकुलाली लेक. मतलब उसको लगा कि हम हीरेकुलाली लेक जा रहे जबकि हम एक्चुअली दूसरे वाले लेक यानी कि अनकरी लेक जाना चाहते थे. तो अभी यू टर्न लेके हम वापस जा रहे हैं उसके रास्ते में एंड इट्स 20 किलोमीटर्स अवे. तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हमारे साइट सीइंग स्पॉट पे. ये है आयन करे लेक, जैसे कि देख सकते हो चारों तरफ माउंटेन्स है. बहुत ही बड़ा है, आई थिंक ये हीरेकुलाली लेक से भी बड़ा है. और हम वहाँ पे एक बड़ा वाला माउंटेन है. बस यहाँ पे घूमेंगे थोड़ी देर, एंजॉय करेंगे व्यू. गाइस देखिए कितना मस्त वेदर है आज.
पे बंदर है तो आप लोग थोड़ा बच के रहना, खाना वाना ला रहे हो तो यहाँ पे मत खाना, उस दूसरे पॉइंट पे जाके आप लोग खा सकते। तो गाइस ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज का, तो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द होटल। और हाँ, बहुत अच्छा गया चिकमगलूर ट्रिप। आज तो वेदर काफ़ी अच्छा था, सो बस अब होटल जाएंगे और वहाँ से हमारा लगेज वहाँ पे रखा है तो वहाँ से अपना लगेज लेंगे एंड वील हैव लंच एंड देन या बैक टू बैंगलोर। अभी हम लास्ट लंच कर रहे हैं और फिर निकलेंगे बस के लिए। ये एक रेस्टोरेंट है, श्री विष्णु डेलिकेसी, वेज रेस्टोरेंट है बट खाना बहुत अच्छा है, आप लोग भी खा सकते हैं। तो गाइस अभी हम बस में चल गए हैं और ये सेमी स्लीपर बस है कि SRTC का है, बट बहुत ही सही है, मतलब AC बस है और बहुत मतलब यहाँ से मतलब लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और सीट भी पीछे कर सकते हो तो कोई भी आराम से सो जाएगा। 5 घंटे अप्रॉक्स लगते हैं और फिर मैजेस्टिक पहुँच जाएंगे। आपको दिखाती हूँ बस का, हाँ बस का अंदर भी दिखाती हूँ। चार्जिंग पॉइंट भी है और बस। हाँ